गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 57। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान इतिहास, कक्षा 10वीं, डेट है 24 नवंबर। तो 10th क्लास, देखो आपका रिवीजन चल रहा है। तो नेशनलिज्म इन इंडिया, पहली बात आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलनी है, उसमें से चीजों को एक बार रीड करना है। याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रीड करोगे तो जैसे जैसे हमारा रिविजन होता जाएगा तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली सारी चीजें याद हो जाएंगी। वेयर डिड महात्मा गांधी लॉन्च द फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया? तो चंपारण में लॉन्च किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट अल्लूरी सीताराम राजू? तो ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर महात्मा गांधी जी का। तो ये ट्राइबल जो मूवमेंट था इन्होंने चलाया था गुडम हिल्स में, आंध्र प्रदेश में, और इन्होंने जो ट्राइबल लोग थे उनको प्रसुएड किया था। प्रसुएड का मतलब होता है मनाया था कि भाई खादी हमें पहननी चाहिए और हमें शराब वगैरह छोड़ देनी चाहिए। इन्होंने मिलिटेंट गुरिला मूवमेंट को चलाया था। तो ये जो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट है ये ट्रू है। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये वोमेश, वैसे मतलब मैं डब्ल्यू सी इसलिए लिख रही हूं, वोमेश चंद्र, तो डब्ल्यू सी ही कई बार लिखा हुआ आ जाता तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, इसलिए मैंने दोनों ही नाम लिख दिए हैं। रीराइट द स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग द अंडरलाइन फ्रेज। तो फ्रेज में क्या है, 13 अप्रैल 1919 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1920 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1920 की जगह 1919। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी शोन इन द पिक्चर। तो पिक्चर में ये तो आपको पता ही है, महात्मा जी हैं, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, ये तीनों यहाँ पे पिक्चर में दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया था, तो जो पहला ए है वो ट्रू है। ठीक है, ये ए ट्रू ट्रू है। फिर 1931 में क्यों, क्योंकि इरविन और महात्मा गांधी के बीच में पैक्ट साइन हुआ था कि भाई ठीक है आप कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और हम आपकी ये शर्तें पूरी कर देंगे। तो इसका आंसर होगा ए, ए और आर दोनों ट्रू है, आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। राइट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू या फिर फॉल्स है। तो देखो, डॉक्टर भीमाराव अंबेडकर वाज द फाउंडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, बिल्कुल ठीक है, ट्रू आ जाएगा यहाँ पे। फिर व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सत्याग्रह, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं अभी। सत्याग्रह लिटरली मीन्स टू आस्क फॉर ट्रूथ। ठीक है, सत्य आग्रह। ठीक है, सत्याग्रह वॉज यूज बाय गांधी जी इन स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, ये यूज किया गया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्वदेशी। स्वदेशी मीन्स मेड ऑफ योर कंट्री, और यहां पे आ जाएगा स्वदेशी मीन्स मेड अप बाय योर ओन कंट्री। जो चीजें हमारी खुद के देश में बनी होती हैं वो स्वदेशी चीजें होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, व्हाई डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट बैन फ्रीडम ऑफ द प्रेस आफ्टर 1857? ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज बैडली डिस्टर्ब्ड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857, देयरफॉर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी सच इंसिडेंट फ्रॉम हैपनिंग अगेन एंड टू कंप्लीट सप्रेस द रिबेलियन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट बैन द फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था उसको, जो प्रेस की फ्रीडम थी, कि ताकि और ज्यादा नेशनलिज्म की जो भावना है वो ना पहुंचे, लोग एक दूसरे को ज्यादा और कम्युनिकेट करेंगे तो बातें फैलेंगी, तो इसलिए उन्होंने जो फ्रीडम थी प्रेस की, जो अखबारों की फ्रीडम थी वो बैन कर दी थी। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। तो कोशिश किया करो पहले, जैसे स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अनअकैडमी जो है एक लार्जेस्ट इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और अभी एग्जाम पास में आने वाले हैं, तो आप अपनी अगर प्रिपरेशन को बूस्टअप करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बता देती हूँ। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप लाइव सेशन में जितने भी बेस्ट एजुकेटर्स हैं उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ सबसे अच्छी चीज़ है कि आप क्वेश्चंस फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन फॉर्मेट में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहती है। और फिर जैसे आपने कोई भी टॉपिक किया, आपने रीड किया, तो फिर उनका जो वीकली क्विज होता है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, तो ये एक एक तरह से मतलब यहाँ पे देखो, पहले आप पढ़ोगे, फिर आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी क्वेश्चंस के थ्रू, फिर क्विज होंगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसमें क्या क्या होगा ये आप देख सकते हैं, कि लाइव
लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट फ्रॉम यू, आप अपने घर से ही पढ़ सकते हैं जो कि आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत सुटेबल है। आप अनलिमिटेड कोर्सेज ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन में, जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो आपका सिलेबस का कवरेज होता है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, आपको पूरी की पूरी अच्छे से जो आंसर राइटिंग सेशन है वो करवाया जाता है। स्टडी मटेरियल जो है पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा आपको, तो सो दैट कि आप अपने मोबाइल पे आराम से पढ़ सकें, और जो भी आपके डाउट होंगे वो भी सेशन आपके अलग से लिए जाएंगे, ठीक है। लाइव टेस्ट सीरीज होगी। सबसे अच्छा फीचर जो लगता है हमारा, जो टेस्ट होता रहता है, क्योंकि हमने पढ़ लिया लेकिन टेस्ट आज के टाइम में अभी नहीं हो पा रहे हैं, तो वो एक लैकिंग है, क्योंकि हम, हमारा माइंड क्या होता है कि हम टेस्ट के लिए जल्दी पढ़ पाते हैं। जैसे ही टेस्ट का नाम आया तो हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि टेस्ट है, और ज़्यादा सिलेबस भी कवर कर पाते हैं उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे लाइव टेस्ट सीरीज होगी आपके लिए, वो बहुत अच्छी होगी, आपको अपनी परफॉर्मेंस पता लगती रहेगी। मेंबरशिप, मेंटरशिप और जो जो मेंटर होंगे वो आपको हर चीज़ के लिए गाइड करेंगे। तो इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लिंक डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक को जाकर प्लस सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको 10% डिस्काउंट मिले तो मेरे नाम का कोड आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा कोड है PUR, कैपिटल में लिखा हुआ है पूर्णिमा 10, ठीक है। पूर्णिमा 10 नाम से अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, ठीक है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ट्राई कर सकते हैं, पहले फीचर्स एक बार देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है। क्योंकि जो हमारी अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो थोड़े ही टाइम में, तो उसको लेके एक सिलेबस आपको कंसोलिडेटेड फॉर्म में मिल जाएगा। अनअकैडमी ऐप जो है आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, और बाकी फर्दर डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, वहां से जाकर भी आप इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ऐसे ही वर्कशीट आपके पास पहुंचती है तो खुद करने की, और उसके बाद जस्ट देखना ही है। आजकल लिखने का तो ऐसा कुछ आता नहीं है, तो देखा करो इसलिए कि आप ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लोग हो गए 92K, एंड इस वीक में आई वॉन्ट कि हम 100 की हो जाएं एटलीस्ट नवंबर मंथ के एंड तक। तो आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।